चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम योगी ने उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर दुख जताया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा की कोशिश करेंगे, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, ऐसा सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तभी से ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस केस को करीबी से मॉनिटर कर रहे थे, और अब जिस तरह से बयान सीएम की तरफ से आया है उसमें ये कहा गया है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सजा जरूर मिलेगी आरोपियों को, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे जल्द लाया जाएगा। तो नाव की दुष्कर्म पीड़िता सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। करीब 44 घंटे तक ये जूझी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। खुद डॉक्टर्स भी पीड़िता की हालत को देखकर उनकी भी आंखें नम हो गई थी, और अब लगातार पॉलिटिकल पार्टीज से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। और अब बयान जो आया है सीएम योगी की तरफ से वो ये आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सजा की कोशिश जरूर करेंगे। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही इस केस को सॉल्व करने की बात कही है, क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है सीएम की तरफ से, क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, मुख्यमंत्री ने पीड़िता के जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करके उसमें जल्द से जल्द उनको सजा दिलाने की बात की है, और इसके संबंध में कानून मंत्री ने भी कल बयान दिया था कि फास्ट ट्रैक अदालत गठन करके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द सजा मिलेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित परिवार के साथ सरकार है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पे सख्त थे, पूरी रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट आने के बाद, चूंकि पीड़िता की हालत काफी तीव्र थी, दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट थी, कल देर रात उसका निधन हो गया। अब चूंकि एक बड़ा मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इससे विपक्ष जो है लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कोई गलती या ऐसे कोई हीला हवाली नहीं चाहते मुख्यमंत्री जिससे सरकार पे विपक्ष हमलावर हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले में फास्ट ट्रैक अदालत और जो भी कानूनी कार्रवाई है जिससे पीड़िता के परिवारजन संतुष्ट हों वो सब करने के लिए सरकार तैयार। ठीक है पंकज, नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे।